वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 अगस्त 2018 और 5 अगस्त 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। और मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कितने देशों के दौरे पर गई हैं? तो अभी हाल ही में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 देशों के दौरे पर गई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि वो 3 देश कौन से हैं। तो वो 3 देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तीनों ही मिडिल एशियन कंट्री हैं और इन 3 देशों के दौरे पर गई हैं सुषमा स्वराज। तो इन 3 देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले आप मैप में देखिए, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी है टेंगे और कजाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं नूर सुल्तान नजरबे। अब आते हैं किर्गिस्तान पर। मैप में देखिए आप, ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिज सोम और किर्गिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं सुरोनवे जीनबेकोव। अब आते हैं उज्बेकिस्तान पर। मैप में देखिए आप, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपोव। तो इन 3 देशों के बारे में मिनिमम आपको इतना पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में बात आई है सुषमा स्वराज की, तो आपके माइंड में तुरंत एक क्वेश्चन आना चाहिए, सुषमा स्वराज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्विटर पर फॉलो की जाने वाली फीमेल पॉलिटिशियन है। ध्यान रखना, फीमेल पॉलिटिशियन पूछे तभी आपको सुषमा स्वराज बताना है। और अगर आपसे पूछ ले कि मेल पॉलिटिशियन में सबसे ज्यादा ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले कौन हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। नरेंद्र मोदी 3रे नंबर पे हैं। अच्छा, एक बार एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर आप हर बार फर्स्ट पे डोनाल्ड ट्रंप बता देते हो, थर्ड पे नरेंद्र मोदी बता देते हो, सेकंड नहीं बताते हो। सेकंड पे हैं पोप फ्रांसिस, फर्स्ट पे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सेकंड पे हैं पोप फ्रांसिस और थर्ड पे हैं नरेंद्र मोदी। अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 26,000 लाइक का। आपने वो टारगेट पूरा किया लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो आज की इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 26,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हर दिन आपकी लाइफ में एक नया टारगेट होना चाहिए और आप पूरा दिन अपना उसी टारगेट को अचीव करने में लगा दो, यही लाइफ का शेड्यूल होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने कोर मार्क हासिल किए हैं? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 5 कोर मार्क हासिल किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये कोर मार्क का मतलब क्या है? कोर मार्क का मतलब ये है कि अब तक 5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिया जा चुका है। अच्छा, उज्ज्वला योजना की बात आई तो माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को और पिछले 2 साल में 5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अभी हाल ही की हमारी प्रेजेंट टाइम पर लोकसभा अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन, उन्होंने 5 करोड़वां उज्ज्वला कनेक्शन दिया है। और किसे दिया है? श्रीमती तकार्डेन को। किसको दिया है? श्रीमती तकार्डेन को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है श्रीमती तकार्डेन, इनको 5 करोड़वां उज्ज्वला कनेक्शन दिया गया है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा 5 कोर मार्क का मतलब क्या है। 5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिया जा चुका है। तो उज्ज्वला योजना के बारे में आप इतना जरूर याद रखना कि इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्था का अध्यक्ष कौन सा देश चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना देश भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एशिया प्रशांत संस्था की अभी हाल ही में 44वीं वार्षिक बैठक हुई है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में और वहीं पर भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है, इसका अध्यक्ष भारत को चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में NHAI ने SBI बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में दो इंपोर्टेंट टर्म है, एक है एनएचएआई और एक है एमओयू। पहले आपको मैं एनएचएआई के बारे में बताता हूं। एनएचएआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है एनएचएआई की फुल फॉर्म, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। अब यहाँ पे ये जो टर्म आया है एमओयू, इसके बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया है। दो चीजें होती हैं, एक होता है एमओयू और एक होता है एमओए। मैंने आपको बताया एमओयू की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एमओए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब बात इनिशियल स्टेज में चल रही होती है किसी भी संस्था के साथ या किसी भी देश के साथ, जब बात इनिशियल स्टेज में चल रही होती है तब एमओयू साइन होता है, और जब बात पक्की हो जाती है यानी कि फाइनल हो जाती है तब एमओए साइन होता है। तो इसकी एक तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। और इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि एमओयू को आप एंगेजमेंट मान सकते हो, क्योंकि जब बात इनिशियल स्टेज में होती है तब क्या होता है, एंगेजमेंट। तो एमओयू को आप एंगेजमेंट मान सकते हो, और जब बात फाइनल हो जाती है यानी कि पक्की हो जाती है तब क्या होता है, शादी। तो एमओए को आप शादी मान सकते हो। इस ट्रिक से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब बात आई है एसबीआई की, तो एसबीआई के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पर रजनीश कुमार हैं एसबीआई के अध्यक्ष। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कितनी महिला न्यायाधीश नियुक्त होने जा रही है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 3 महिला न्यायाधीश नियुक्त होने जा रही हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2 महिला न्यायाधीश पहले से थीं और एक अब नई नियुक्त होने जा रही हैं, तो इस तरह से 3 महिला न्यायाधीश पहली बार सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने जा रही हैं। तो तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। पन्नो माथी 2014 में नियुक्त हुई थी, उसके बाद इंदु मल्होत्रा 2018 में अभी नियुक्त हुई, और अब ये नियुक्त हुई हैं इंदिरा बनर्जी। ये मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी और अब ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई हैं। तो इस तरह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस कौन है? तो जस्टिस दीपक मिश्रा हमारे प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस हैं। और कितने न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो प्रेजेंट टाइम पे 22 न्यायाधीश हैं, लेकिन टोटल 31 हो सकते हैं मैक्सिमम। चीफ जस्टिस को मिलाकर टोटल 31 हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 22 हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है एमरसन नगांगवा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है एमरसन नगांगवा, और इन्होंने अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। इससे पहले जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन थे? तो रॉबर्ट मुगाबे, ये थे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, और ये लगातार 37 साल जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रहे। और अब जिम्बाब्वे में चुनाव हुआ तो नए राष्ट्रपति बने हैं एमरसन नगांगवा। अब बात आई है जिम्बाब्वे की, तो मैप में देखिए आप, ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, जिम्बाब्वे की करेंसी है यूएस डॉलर, और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं एमरसन नगांगवा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सुरक्षा सहायता में कटौती की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता में कटौती की है। अमेरिका पाकिस्तान को जितनी सुरक्षा सहायता देता है उसमें कटौती कर दी है अब अमेरिका ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता में कटौती की गई है, तो आप मैप में देखिए, यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ममनून हुसैन है प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान की प्रेसिडेंट। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान में पहली बार नॉन मुस्लिम एमपी बने हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है महेश मलानी, उनका नाम आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगाई है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जब भी पेमेंट बैंक का नाम आता है मैं आपको बताता हूं, इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे 4 पेमेंट बैंक हैं, और चारों के नाम मैंने यहां पे लिख दिए हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। ये 4 पेमेंट बैंक हैं प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में, और फिनो पेमेंट बैंक पर अभी रोक लगा दी है आरबीआई ने। अब रोक आरबीआई ने लगाई है, तो आरबीआई के बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया है,
आपको 100% याद हो गया होगा, अगर याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, उर्जित आर पटेल है प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर। और ये कौन से नंबर के गवर्नर है ये भी पता होना चाहिए, तो ये 24वें नंबर की आरबीआई के गवर्नर है। अब फिनो पेमेंट बैंक पर रोक लगाई है, तो फिनो पेमेंट बैंक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2006 में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। और यहाँ पे एक और पेमेंट बैंक का नाम लिखा है पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया है। पेटीएम पेमेंट बैंक की अभी सीईओ ने इस्तीफा दिया है, तो 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको उनका नाम बताया था। उनका नाम क्या है, रेणु सती। पुरानी चीजों को आप रिवाइज जरूर किया करो, अगर आप रिवाइज करने की हैबिट छोड़ दोगे तो आप चीजें भूलने लगोगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूं जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आपको रिवाइज करने की हैबिट नहीं छोड़नी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आसियान संधि में शामिल हुआ है, तो अभी हाल ही में ईरान आसियान संधि में शामिल हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी हाल ही में आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की 51वीं मीटिंग हुई है सिंगापुर में। क्या हुई है, आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की 51वीं मीटिंग हुई है सिंगापुर में और यहीं पर ईरान को आसियान संधि में शामिल किया गया है। अब ईरान शामिल हुआ है आसियान संधि में, तो ईरान के बारे में आपको बता देता हूं। पहले आप मैप में देखिए, ये है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है रियाल और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। अब आसियान का नाम आया है तो आसियान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर। और आसियान में कितनी कंट्री हैं, तो 10 कंट्री हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं यही 10 कंट्री हैं आसियान में। इनके नाम भी आपको याद हो जाने चाहिए, मैं आपको नाम बताता हूं। इनके नाम हैं म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। ये 10 आसियान कंट्री हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, आप 2-4 बार रिवाइज करोगे तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस देश में नया सेंसर सर्च इंजन लॉन्च करने का निर्णय लिया है, तो अभी हाल ही में गूगल ने चाइना में नया सर्च इंजन लॉन्च करने का निर्णय लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाइना में गूगल ने पहले भी सर्च इंजन लॉन्च किया था लेकिन वहां के सेंसरशिप के लॉ इतने टफ हैं कि 8 साल पहले चाइना में गूगल को बैन कर दिया गया था, लेकिन अब गूगल फिर से चाइना में सर्च इंजन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, तो ये गूगल नया सेंसर सर्च इंजन चाइना में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। तो आप मैप में देखिए, ये है चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेन मिनवी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। तो इतना आपको चाइना के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है, वे किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो अभी हाल ही में के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है, ये अभी तक उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं कृष्णकांत पॉल। तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य निवेश सूचकांक में शीर्ष पर है, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली टॉप पर है निवेश सूचकांक में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पिछली बार जब रिपोर्ट आई थी तब गुजरात टॉप पे था लेकिन अब दिल्ली निवेश सूचकांक में टॉप पर है, सेकंड पे है तमिलनाडु और थर्ड पे है गुजरात। अब दिल्ली टॉप पर है तो दिल्ली के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी, तो आपको याद रखना है इसकी घोषणा 1911 में हुई थी और 1912 में दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी। अच्छा, इससे पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी, तो इससे पहले कोलकाता थी इंडिया की कैपिटल। कभी आपने सोचा प्रेजेंट टाइम पे नई दिल्ली है इंडिया की कैपिटल, तो ये नाम नई दिल्ली कब दिया गया, तो ये नाम नई दिल्ली दिया गया था 1927 में। कब दिया गया, 1927 में, और नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी 13 फरवरी 1931 में। तो इतना आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सी टीम क्रिकेट इतिहास में 1000 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है, तो
तो ये बनी है इंग्लैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं एक बार आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उतना आप लिखा करो, अगर आप लिख दोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ मेव जयते अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। आज के वीडियो का आप टारगेट याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 26,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर करना और लाइक करने के बाद इसे शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।